हेलो दोस्तों, कर्क अफेयर की इस सीरीज में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि यह सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर आपने इस सीरीज के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख लीजिए और साथ ही प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लगातार आने वाली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 11 चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखा 30 एमकेआई का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया है? टाइगर शार्कर। 12 केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? JP नड्डा। 13 आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया है? अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। 14 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों विजुअली इम्पेयर्ड के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? मोनी। 15 फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट्स चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड प्राप्त हुआ? PV सिंधु। 16 भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार फरवरी 2020 में प्रदान किया है? मनप्रीत सिंह। 17 भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी जो इंटरगवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे का निधन फरवरी 2020 में हो गया? राजेंद्र पचौरी। 18 अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्यास ट्रस्ट की स्थापना की है? श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। 19 भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? जेर बोल्सोनारो। 20 भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष की विश्व टेस्ट एकादश आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर एवं एक दिवसीय विश्व एकदश आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर टीम का कप्तान बनाया गया है? विराट कोहली। भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? 17 एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? अखिल भारतीय व्यापारी संघ किट। भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? 8 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? 4 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कोरोना वायरस का निरीक्षण। पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस प्रजाति में कोरोनावायरस की उपस्थिति की खोज की है? चमगादड़। COVID-19 नमूना संग्रह कियास्क COVSAC जो हाल ही में सुर्खियों में था किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? किलोग्राम।
नियरबाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीजों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है? गूगल। GMR Airports Limited को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम IVRS सेवा शुरू की है? तमिलनाडु।